हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके साथ यू आर माई सनशाइन का दूसरा पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग को, जो शख्स लाइब्रेरी में मिला था। उस शख्स ने विंग से कहा था, यह बुक मैंने परचेस की है, अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे इसे परचेस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, कहानी इससे आगे शुरू करते हैं। विंग ने कहा, मैं इसे परचेस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास मनी नहीं है। तभी उस शख्स ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास मनी नहीं है। तभी विंग ने हैरानी से उस शख्स की तरफ देखा। उस शख्स ने कहा, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस बुक को पढ़ने के लिए 2 घंटे का समय देता हूँ। तुम 2 घंटे में बुक को फिनिश कर लो और मुझे दे दो। तभी विंग ने कहा, मैं इतना पढ़ाकू नहीं हूँ जो 2 घंटे में पूरी बुक पढ़ लूँ। तभी उस शख्स ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ तुम इतने पढ़ाकू नहीं हो, लेकिन जिज्ञासु बहुत हो। तभी विंग ने कहा, आप हर बात पर ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आप जानते हो, जबकि मैं आपको नहीं जानता। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? उस शख्स ने विंग की तरफ प्यार से देखा और कहा, विंग मेरा नाम लेंजन है। विंग ने कहा, आप मेरा नाम जानते हो? हाँ विंग, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, तुम कहाँ पढ़ते हो, कहाँ रहते हो, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हें यह बुक पढ़नी है, लेकिन मुझे भी यही बुक पढ़नी है, तो मेरे पास एक रास्ता है, यह बुक रीड करो जब तक तुम मेरे रूममेट बन जाओ। विंग ने कहा, सर ऐसा कैसे हो सकता है? लेंजन ने कहा, विंग मैंने तुम्हें अभी अपना नाम बताया था, मेरा नाम लेंजन है। विंग ने कहा, लेंजन ऐसा कैसे हो सकता है? लेंजन ने कहा, विंग तुम्हें केवल जियांग चेंग को समझाना होगा, और वह अकेला भी नहीं है, नी हुसैन उसके साथ है। विंग ने हैरानी से लेंजन की तरफ देखा, आप जियांग चेंग और नी हुसैन को भी जानते हो? लेंजन ने धीरे से बुदबुदाया, सारा दिन तो वह मेरे नाम पर चिल्लाता रहता है, तो उसे मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा? विंग ने कहा, आपने कुछ कहा? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। अच्छा तुम मेरे साथ चलो, विंग ने कहा। वह मुझे किसी के साथ देखता है तो बहुत चिल्लाता है। तभी लेंजन ने कहा, अगर वह मुझे देखकर नहीं चिल्लाया तो क्या फिर तुम मेरे साथ मेरे रूममेट बनोगे? विंग ने लेंजन की बात पर हैरानी से देखा। लेंजन ने बातें बदलते हुए कहा, यह बुक फिनिश होने तक? विंग ने हाँ में अपना सर हिलाया। तभी लेंजन ने कहा, लेकिन विंग तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, तुम्हें किसी के सामने भी मेरा इंट्रोडक्शन नहीं देना है। विंग ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे होगा, अगर कोई तुम्हें मेरे साथ देखेगा तो वह पूछेगा ही ना कि तुम कौन हो? वांजी ने कहा, तुम चिंता मत करो, कोई भी मेरे बारे में नहीं पूछेगा, और जब तक कोई मेरे बारे में नहीं पूछे तुम्हें किसी से भी मेरा इंट्रोडक्शन नहीं कराना है। विंग ने कहा, ओके। विंग और लेंजन जब विंग के अपार्टमेंट पहुँचे, जियांग चेंग ने डोर खोला। विंग देख रहा था कि अब जियांग चेंग चिल्लाने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जियांग चेंग ने लेंजन को देख कर कोई रिएक्ट नहीं किया। विंग हैरानी से लेंजन की तरफ देख रहा था। लेंजन ने मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ कदम बढ़ाया और लेंजन विंग से पहले चेंग के पास वाले चेयर पर जाकर बैठ चुका था। लेंजन ने विंग से कहा, देखा ना, जियांग चेंग नहीं चिल्लाया, अब तुम उसे बताओ कि तुम कुछ दिन के लिए मेरे साथ रहने जा रहे हो। विंग इससे पहले कुछ कहता, जियांग चेंग ने कहा, भाई आप हमारी चिंता ना करो, तुम रह सकते हो जहाँ तुम रहना चाहते हो, और वैसे भी मैं अकेला नहीं हूँ, नी हुसैन मेरे साथ है। विंग ने कहा, तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं भाई, मैं तुमसे नाराज क्यों होने लगा, तुम्हें वह बुक पढ़नी है ना तो तुम पढ़ सकते हो। विंग सोच रहा था, लेंजन ने तो केवल साथ रहने वाली बात की थी, तो जियांग चेंग को बुक के बारे में कैसे पता चला? विंग ने कहा, ओके तो मैं अपनी पैकिंग कर लेता हूँ। तभी लेंजन ने कहा, विंग मैं तुम्हारी पैकिंग करवाने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। लेंजन ने जब विंग की गुसु बुक का कलेक्शन देखा तो विंग से कहा, विंग इतनी सारी बुक्स और वो भी सिर्फ गुसु के इतिहास की? विंग ने कहा, लेंजन तुम सोच रहे होगे कि मैं कोई साइको हूँ,
बिल्कुल गुसुके लांगवान जी के लवर की तरह। तभी लैंजन ने कहा, वह कोई साइको नहीं था विंग। विंग ने लैंजन की तरफ अजीब नज़रों से देखा। लैंजन, तुम कैसे कह सकते हो कि वह कोई साइको नहीं था, जिसने इतने सारे लोगों के साथ अपनी फैमिली और अपने लवर की जान ले ली थी। लैंजन ने अब विंग की बात का कोई जवाब नहीं दिया। विंग ने अपनी पैकिंग की और लैंजन के साथ उसके अपार्टमेंट के लिए निकल गया। विंग और लैंजन जब उस अपार्टमेंट पहुंचे तो विंग लैंजन के अपार्टमेंट को देखकर हैरान था। वह अपार्टमेंट जो बाहर से बहुत फैशनेबल दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके अंदर सभी चीज़ें पुराने ज़माने की थी। विंग ने लैंजन की तरफ सवालों भरी नज़र से देखा और पूछा, यहाँ पर यह सब इतने पुराने ज़माने का है? तभी लैंजन ने कहा, हाँ, मुझे पुरानी चीज़ों का शौक है, इसीलिए। तभी विंग ने लैंजन को बीच में रोकते हुए कहा, मैं तो यह पूछना चाह रहा था कि आपको यह सब चीज़ें कहाँ से मिली, यह सब चीज़ें तो अब लुप्त हो चुकी हैं। लैंजन ने कहा, विंग, क्या तुम्हें यह रूम अच्छा नहीं लगा? विंग ने कहा, नहीं लैंजन, यह रूम तो बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर तो पढ़ाई करने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। विंग ने कहा, लैंजन, तुम अब वह बुक मुझे दे सकते हो, मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ। इससे पहले विंग उस बुक को लैंजन के पास से लेता। लैंजन ने कहा, विंग, क्यों ना हम पहले कुछ खा लें, चलो विंग, क्या तुम मेरे साथ किचन में चलोगे? विंग ने बुक से वापस अपना हाथ खींचते हुए कहा, ठीक है, चलो पहले हम कुछ खा लेते हैं। लैंजन को देखकर लग रहा था जो टेंशन लैंजन के फेस पर विंग को उस बुक के पास आते हुए देखकर आई थी, वह कुछ पल के लिए दूर हो चुकी है। विंग और लैंजन किचन में थे। तभी विंग ने पूछा, तुम यहाँ कब से रहते हो और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? तभी लैंजन ने थोड़ा सैड होते हुए कहा, मेरी फैमिली में अब कोई नहीं है। विंग ने कहा, अब कोई नहीं है का मतलब? मेरे एक बड़े भाई थे और एक अंकल, लेकिन अब वह सब इस दुनिया में नहीं हैं, बस मैं अकेला हूँ। तभी विंग ने पूछा, तो क्या कोई नहीं है तुम्हारी केयर करने के लिए? लैंजन ने कहा, विंग, तुम सैड मत हो, वैसे भी मुझे किसी केयर की ज़रूरत नहीं रही, मैं अपने लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। और रही साथ की बात, तो तुम हो ना अब मेरे पास? विंग और लैंजन जब नाश्ता करके साथ में बैठे तो विंग ने कहा, लैंजन, अब तुम मुझे वह बुक दे दो, मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ। तभी लैंजन ने कहा, विंग, क्या तुम मुझे अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताओगे? विंग ने कहा, मेरी फैमिली में हम 5 मेंबर हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी सिजे और मेरा छोटा भाई जियांग चैंग। मेरे पेरेंट्स बहुत ही शांत स्वभाव के लोग हैं, मेरी सिजे बहुत ही स्वीट नेचर की पर्सन हैं और जियांग चैंग थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन हमारी फैमिली में बहुत प्यार है। हम एक मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने कभी भी हमें कुछ सिखाने या दिलाने के लिए कभी भी मना नहीं किया, खासकर मेरी माँ तो मुझसे बहुत प्यार करती है, उन्होंने आज तक मुझे मेरी किसी भी गलती पर कभी नहीं डांटा। लैंजन सोच रहा था, विंग, वक्त ने उन्हें तुमसे प्यार करने का और अपनी गलती सुधारने का एक चांस दिया है, काश वक्त ने मुझे भी एक चांस दिया होता। लैंजन अभी कुछ सोच ही रहा था, तभी विंग ने कहा, लैंजन, अब वह बुक मुझे दे दो, मुझे पढ़नी है। पांजी ने कहा, विंग, तुम आज ही तो यहाँ पर आए हो, तो क्यों ना केवल आज हम दोनों बातें करें, वह बुक तुम कल पढ़ लेना। विंग ने कहा, बातें? हाँ बातें। विंग, क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई है जिसे तुम गर्लफ्रेंड भी कह सकते हो? विंग ने सैडली लैंजन के पास बैठते हुए कहा, नहीं, अभी मेरी लाइफ में कोई नहीं है। तभी लैंजन ने कहा, विंग, क्या तुमने अभी तक किसी को डेट नहीं किया? विंग ने कहा, लैंजन, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में अभी तक कोई नहीं आया हो, लेकिन मेरा कभी किसी को डेट करने का मन नहीं किया। विंग का क्यूटली फेस देखकर लैंजन धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। लैंजन ने विंग से कहा, विंग,
क्या मैं तुम्हें डेट कर सकता हूँ? विंग ने हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से लैंजन की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मुझे डेट करना चाहते हो? तो चलिए दोस्तों, आज का पार्ट मैं ही ख़त्म करती हूँ। आज का पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।